बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायाब काम करने वाला है। तो आज मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च के पकौड़े। शिमला मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली हूँ शिमला मिर्च 4 से 5 अदद, और इसके साथ ही मैंने अब सबसे पहले हमने करना क्या है, शिमला मिर्च को कट लगा लेंगे। ऐसे करके हमने सिर्फ सिर्फ कट लगाने हैं और इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे कीमे की। दूसरी तरफ मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा, आप इसकी जगह चिकन का कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँ, ऑयल गर्म हो चुका है और मैं साथ में इसमें डाल दूँगी प्याज, एक छोटी प्याज बारीक बारीक कटी हुई। इसके साथ ही एक चम्मच में डालूँगी लहसुन और अदरक की, और इसके साथ ही मैं 2 मिनट के लिए भून लूँगी। और हमने प्याजों का कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन सा करना है, कलर इसका चेंज करना है। बस हमने इतना सा ही कलर चेंज करना था इसका। और अब मैं साथ इसमें डाल दूँगी कीमा। कीमा हम इसमें भून लेंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक रेड रेड सी बारीक कटी हुई बड़े साइज़ की टमाटर। तो अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। इस मसाले के अंदर मैं कीमे को भून लूँगी। एक प्याली हमारा बेसन है और मैं इसको घोल लूँगी। बैटर जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा, और इस तरह का हमने बैटर इसका तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं किसी किस्म का कोई भी गोल गोल गुठली इसमें नज़र नहीं आ रही आपको। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा, 1/4 स्पून मैं इसमें डालूंगी चम्मच जो है वो नमक। ये मसाले डालकर मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लूंगी। इसका जो पानी है वो मैं खुश कर लूँगी, पानी हमने बिल्कुल खुश कर लेना है और ये बिल्कुल यकजान हो जाए, ताकि ये जो हम फीडिंग करेंगे शिमला मिर्चों में उसके अंदर भरा जाए, इसकी सफाई ना निकले। कीमे की मुकम्मल तौर पर भुनाई हो चुकी है और अब मैं इसको शिमला मिर्चों में जो है वो फिलिंग करूँगी इसकी। इस तरह मैंने शिमला मिर्चों को जो है वो काट लिया और इसके अंदर से चम्मच के साथ इसकी फिलिंग कर लेंगे। इस तरह हमने बिल्कुल जो है शिमला मिर्चें वो इसकी कीमे के साथ फिलिंग कर लेनी है। आप इसमें आलू का मेज़ा भी डाल सकते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई जो है वो उसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसको बेसन के अंदर जो है इसको डिप करूँगी। और इसको गर्म गर्म ऑयल में डाल दूँगी। इसी तरह सारी को हम ऐसे कर लेंगे। शिमला मिर्च के पकौड़े तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और लाल घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।